मंजिल रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए फरहारी उपवास में खाने वाले अप्पे लेकर आए हैं, जो कि जल्दी ही बन जाते हैं, जो कि कम तेल में बन जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं। हमने लिया है दही। दही को बाउल में निकाल कर इसको थोड़ा सा फेंट लें। अब हमने लिया है राजगिरे का आटा। इसको इस दही में डालें और मिक्स करें। अब हमने लिए हैं मूंगफली दाने। इनको हमने भून लिया है और इनको बारीक पीस कर इनका पाउडर बना लिया है। इसको इस दही के पेस्ट में डालें और मिलाएं। अब हमने लिए हैं 2 से 3 आलू। इनको हमने बॉईल कर लिया था। इनको एक ग्रेटर की हेल्प से इस पेस्ट में ग्रेट करें। इसी तरह से हम सारे आलू को इस पेस्ट में ग्रेट करेंगे। देखिए, हमने आलू को इसमें ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको मिलाएंगे। अब हमने लिया है साबूदाना। इसको हमने 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था, ये गल चुका है। अब इस साबूदाने को इस मिक्सर में डालें। अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और अदरक, बारीक कटा हुआ हरी धनिया पत्ती, जीरा, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार सेंधा नमक। इन सभी चीजों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। यह हमने मिश्रण को बनाकर तैयार कर लिया। अब हम गैस पर अप्पा मेकर रखेंगे और इसमें ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाकर इस ग्रीस करें। अब हमने जो मिक्सर बनाया था उससे हमें बॉल बनानी है। इस तरह से बॉल बनाएं और इन बॉल को अप्पे मेकर में रखें। इसी तरह से हम सारा अप्पा मेकर फिल करेंगे। देखिए, हमने अप्पा मेकर को फिल कर लिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर से ऑयल को डालेंगे और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको पलटेंगे। इसी तरह से सारे अप्पों को पलट दें। हमने सभी अप्पों को पलट लिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फिर से ढककर रखेंगे। देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अप्पे अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकालेंगे। गर्मा गर्म स्वादिष्ट और क्रिस्पी अप्पे बनकर तैयार हैं। इस उपवास में आप भी इस तरह से फरहारी अप्पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। इन अप्पों को आप दही और फरहारी चटनी के साथ खाएं। फरहारी चटनी की वीडियो हम आपको पहले भी शेयर कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।